Very good morning, students. I am your maths teacher, and today I will teach you maths of class 7. And today we continue chapter 2, fractions. And today we do new exercise 2.2, part 1. See in the book. This is your book, maths of class 7. Exercise 2.2, page number 19. See question number 1. Multiply the following and change into simplest form. ये fraction है, इन्हें हमें multiply करना है और simplest form में इनका answer लिखना है. तो देखिए किस तरह से करेंगे. A part देखिए सबसे पहले आप. क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट. ए पार्ट में बच्चों 3/6 मल्टीप्लाई किया है 25. ये सिंगल नंबर है तो हम इसके सामने लिखेंगे एक ही लाइन में. अब बच्चों देखो, 3 से इन दोनों को, ये दोनों नंबर 3 से देखो 6 डिवाइड हो रहा है हमारा, तो 3 से हम 6 को कट कर देंगे. 3 × 2 = 6. अब नीचे 2 है और ऊपर ये तो खत्म हो गया 25, तो 2 से 25 कट नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर 25 और नीचे 2. बच्चों कट करना तो आपको आता ही होगा. नीचे वाले नंबर से हम ऊपर वाला नंबर कट कर सकते हैं या ऊपर वाले नंबर से हम नीचे वाला नंबर कट कर सकते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि नंबर एक दूसरे से कट नहीं होते हैं, यानी कि डिवाइड नहीं होते हैं, तब हम एक तीसरा नंबर ऐसा लेते हैं जिसमें ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि टेबल में आते हैं. तो इसका आंसर आ गया हमारा 25/2. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर हम इसे करें तो हम इसको मिक्स में लिख सकते हैं. मिक्स में देखिए इसका आंसर होगा, 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 होल और 1/2, फिर हमारा फाइनल आंसर ये आएगा मिक्स फ्रैक्शन में. इसी तरह से देखिए बी पार्ट, 25/32 मल्टीप्लाई 8/15. ये क्वेश्चन है, तो देखिए हम इसको पहले आप इक्वल लगा दीजिए, क्योंकि हमें यहीं पे कट हम इसको नहीं करेंगे, इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले दोबारा. देखिए 8 की टेबल में 32, 8 से हम 32 को डिवाइड कर देंगे 4 टाइम्स, और 15 और 25 5 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25. अब देखिए ऊपर 5 है और नीचे 4 और 3, तो ऊपर 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, और नीचे हमारे पास 2 नंबर्स हैं 4 और 3, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 = 12, तो 5/12 आंसर. देखिए हम 12 के 12 में 5 नहीं आता तो हम इसको मिक्स में नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो दिस इज द आंसर. इसी तरह से एक बच्चों आप मिक्स नंबर वाला देखिए, आई पार्ट. बी के बाद आई है हमारा 4 होल 2/3 इंटू 3 होल 6/7 इक्वल लगा दीजिए. पहले हम इन दोनों को चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर में, 3 × 4 = 12 और 2 प्लस कर देंगे तो 14/3 मल्टीप्लाई 7 × 3 = 21 और 6 × 27/7. इनको चेंज करके हमें ये नंबर मिल गए. अब देखिए 7 से 14 कट जाएगा, 7 × 2 = 14 और 3 से 29 कट जाएगा, 27 9 टाइम्स. तो नीचे तो दोनों नंबर खत्म हो गए, ऊपर 2 और 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 9 = 18, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 18. तो इस तरह से बाकी के जो क्वेश्चन हैं, ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए हैं, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. ये हमें सिंप्लीफाई करना है.
ये ए पार्ट है, 15 अपॉन 28 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 15। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, इससे पहले हमने सिर्फ टू फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया था, अब ये एक फ्रैक्शन और एक्स्ट्रा आ गया और हमने इसको बढ़ा दिया, तो ये 3 हो गए। प्रोसीजर वही है, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर कट करना है या फिर ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर हमें कट करना है। तो देखिए, हम इसके नीचे यहाँ पे इक्वल लगा देंगे। तो पहले ये नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा से, देखिए 15 से 15 ये कट हो जाएगा बच्चों, और 12 से 36 कट जाएगा 3 टाइम्स। अब देखिए 28 और 35 ये दोनों नंबर 7 के टेबल में आते हैं बच्चों, तो 7 के टेबल से हम इन दोनों को कट कर देंगे। 7 फोर जा 28 और ये 7 फाइव जा 35। तो ऊपर देखो ये नहीं है, यहाँ पे से 5 बचा हुआ है, तो ऊपर लिखेंगे 5 अपॉन, हम नीचे 4 और 3 है तो 4 3 जा 12, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बी पार्ट, 13 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 23 मल्टीप्लाई 46 अपॉन 65 इक्वल लगा देंगे हम। पहले हम इन्हीं को लिख लेते क्योंकि हम यहीं पर कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए 23 टू जा 46 होता है, तो इनको कट करके यहाँ पे 2 लिख देंगे हम। 13 के टेबल में देखो फिर 65 आता है, 13 फाइव जा 65, और 5 के टेबल में देखो 10 आता है, तो 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम्स। अब देखिए ऊपर 2 और 2 और नीचे 15, तो 2 के टेबल में तो 15 नहीं आता तो ये नहीं कटेगा। अब ऊपर कितने नंबर बचे हुए हैं बच्चों, 2 और 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 2 जा 4 और नीचे कितना है 15, तो नीचे 15 आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इसी तरह से आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं यहाँ पे सी से लेकर एफ तक ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।